हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैंडी ट्रेंडी। और ये है मेरा फ्रेंड शुभम, जिसकी बाइक आज हम टेस्ट करने वाले हैं, जो कि है होंडा की साइन SP। इसमें है कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम। तो फिलहाल चलिए, अभी इस बाइक पे CBS सिस्टम है, तो हम जो है आज टेस्ट करने वाले हैं CBS जो है वो कैसे वर्क करता है। प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है और उसकी क्या चीज़ें खासियत है, क्या चीज़ें जो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है, वो हम दोनों आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुभम जी, स्टार्ट करते हैं फिर। सब्सक्राइब कीजिए सैंडी ट्रेंडी को और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया है होंडा साइन SP में जो है कॉम्बी ब्रेक किस तरीके से काम करता है। और अब बात करते हैं यहाँ पे CBS की कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें। तो अगर अच्छी बातों की बात करें तो यहाँ पे जो ब्रेक लगाने पे, यहाँ पे जो ब्रेक यूनिट होता है, अगर आप यहाँ पे देखें जो रियर ब्रेक यूनिट है ये वाला, एक हिसाब से अगर आप कभी भी रियर ब्रेक मारते हैं तो आपका इक्वल अमाउंट ऑफ जो फोर्स होता है ब्रेकिंग फोर्स, वो आगे वाले ब्रेक पे और पीछे वाले ब्रेक पे इक्वल लगेगा एक सर्टेन पॉइंट तक। लेकिन जैसे ही अगर आप जो पिछला ब्रेक है उसको ज़्यादा ही पुश कर देते हैं, हार्ड अगर अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो आगे का ब्रेक जो है उस समय जो आपने लगाया था कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत में, वो जो है वहाँ पे लगना स्टॉप हो जाता है। मतलब कि इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम या फिर एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ब्रेक लगेगा, उसके बाद जो है सेकेंडरी जैसे ही आप एक्स्ट्रा ब्रेक जो है पुश करते हैं तो जो हमारा रियर ब्रेक है वो लॉक हो जाता है और उसके जैसे जो गाड़ी है वो स्किड कर जाती है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंट बाइक का ब्रेकिंग चाहिए तो उसके लिए आपको रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक का कॉम्बिनेशन प्रॉपरली तरीके से लगाना आना चाहिए, तभी आपकी जो बाइक है CBS सिस्टम में, खासकर जो कि होंडा की ज़्यादातर गाड़ियों में होता है, इवन स्कूटीज़ में होता है, एक्टिवा में हो गया, जितने भी स्कूटीज़ वगैरह अभी आ रहे हैं उसमें CBS का सिस्टम जो ऑलमोस्ट हर गाड़ियों में मिल रहा है, खासकर होंडा की जितने भी स्कूटीज है उसमें तो CBS मिल ही रहा है। उसके अलावा आपको साइन हो गई और भी होंडा की जो गाड़ियाँ हो गई 125cc की वेरियंट्स की, उसमें भी आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का एक वेरिएंट मिल जाएगा, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ बुरी बातों का जो कि CBS सिस्टम से रिलेटेड है, और वो ये है कि अगर आप अननोइंगली ज़्यादा प्रेशर करते हैं ब्रेक्स पे तो वहाँ पे जो है आपकी गाड़ी का जो बैक टायर है वो हो जाएगा स्किड। तो अगर आप जा रहे हैं किसी भी वाटरी सरफेस पे या फिर सैंड्स वगैरह होते हैं, सैंडी रोड्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है आपका जो बैक टायर है वो बहुत ज़्यादा स्किड करके आपकी गाड़ी को डिसबैलेंस करता है, खासकर अगर आपके बैक साइड पे बहुत ज़्यादा आपका कोई वेट वगैरह रखा हुआ हो तो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो हमारे CBS सिस्टम के ऊपर। अब आपको शायद जानकारी मिल गई होगी कि CBS जो किस तरीके से काम करता है, और CBS का एक यूनिट जो होता है, ब्रेक का यूनिट जो होता है, जहाँ से कंट्रोल होता है सारी चीज़ें, वो होती हैं करीब यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर में जो है वो यूनिट लगा होता है। अगर मैं आपको बात करूँ तो ये जो कवर है इसके अंदर में वो काम, वो जो यूनिट होता है कंट्रोल करने का वो होता है। फिलहाल अभी हम इस बाइक को नहीं खोल रहे हैं क्योंकि अभी हमारे फ्रेंड जो यहाँ पे
उसको जाना है कहीं पे, तो CBS यूनिट क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, ये सब चीज़ें जो हम आपको बाद में कभी और किसी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही कि आपका जो CBS सिस्टम होता है गाड़ियों में वो किस तरीके से काम करता है प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया ब्रेक लगा के, और उसकी कुछ अच्छी बात और कुछ बुरी बात मैंने आपको बताया कि CBS जो है एक तरीके से, अगर आप और भी ज़्यादा अच्छी बातें करें तो CBS जो है थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ABS के मुकाबले, और वो जो है लगाना बहुत ही इजी होता है ABS के मुकाबले, क्योंकि ABS में जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल यूनिट्स होते हैं और CBS में जो है आपका एक यहाँ पे बॉक्स होता है बीच में, यहाँ पे सिल्वर पैलेट जो दिख रहा है आपको उसके बीच में अंदर में कहीं पे लगा होता है, उसमें एक सिंगल यूनिट होता है, तो उसकी वजह से जो है दोनों ब्रेक्स को इक्वली प्रोपोर्शनेट करके अप्लाई किया जाता है, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, वो एक ही यूनिट होता है तो उसमें खर्चा भी कम होता है और मेंटेन करना काफ़ी ईजी होता है उसको, अगर आपकी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो मेंटेन करना ईजी हो जाता है और खर्चे कम हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ABS के मुकाबले थोड़ा इजी पड़ता है। और अगर आप वहीं पे डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो CBS सिस्टम होता है उसमें क्या है कि आपकी गाड़ी अभी भी लॉक होती है, स्किड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर वो यूनिट जो होता है अगर वो ख़राब हुआ, अगर यूनिट आपके आसपास में नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ABS के मुकाबले जो है इसके रुकने का जो डिस्टेंस होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उतना चलता है। अगर आपको लो एंड लो बजट बाइक्स चाहिए, जैसे आपको 125 cc की बाइक्स चाहिए, तो यहाँ पे आपके लिए CBS जो है सबसे बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम होता है, डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम या फिर आपका नॉर्मल ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम के। दोस्तों ये थी कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें CBS सिस्टम के बारे में, तो ये था आज का वीडियो हमारे CBS ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर, वो भी गाड़ी कौन सी, हमारी होंडा साइन SP के ऊपर, और जो बाइक देने वाले दोस्त है वो है मेरे ये फ्रेंड शुभम सोनी, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको इन्होंने बाइक दी ये रिव्यू बनाने के लिए। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बता दें कि बाइक काफ़ी अच्छी है, अगर आप लेना चाहते हैं इसे तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, 125 cc सेगमेंट में काफ़ी अच्छी बाइक है ये, और 125 cc में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलना बहुत ही आजकल इजी हो गया है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है खासकर CBS के बारे में जानकर, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल की जो आइकन होती है उसको दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक जो भी आगे बाइक्स लेना चाहते हैं या फिर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो और लो बजट में या फिर 125 cc सेगमेंट में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का एक वेरिएंट मिल जाएगा ऑलमोस्ट हर गाड़ी में, जो अभी नहीं भी मिल रहा है वो आपको अप्रैल 2018 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। आपको ABS सिस्टम जो है 125 में नहीं मिलेगा, लेकिन CBS जो है पर्टिकुलरली हर बाइक्स में आपको मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।